I'm Raja Sarwar Suhaiban. Welcome to another episode of Life at City2. इस वक्त हम एक जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे जो क्रिसमस का त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में मिलकर इस त्यौहार को एक अच्छे तरीके से मनाएं। हम देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर 25 दिसंबर को जीसस की बर्थडे जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिश्चियन जो हैं वो आपस में गिफ्ट्स जो हैं एक्सचेंज करते हैं। बच्चे स्पेशली जो है उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मौका होता है कि उनको उनकी पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, उनके फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं। एंड इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर इवेंट फॉर अदर रिलीजन। जिस तरह हमारे ईद का त्यौहार होता है या हमारे जो है जो हिंदूज़ होते हैं उनके लिए दिवाली होता है और ज्यूज़ के लिए और मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए एक बहुत ही एक ज़बरदस्त दिन होता है जिसके अंदर वो खुदा से दुआ करते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए भी दुआएं मांगते हैं और मज़ीद जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। सो वी गोना गो राइट नाउ, अंदर जाके लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस किस्म का माहौल मौजूद है और जो क्रिश्चियंस हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस डे और उनका मैसेज क्या है टू द पीपल हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ। क्या नाम है आपका? My name is Daud. Your name is Daud and Daud, how old are you? मैं 10 साल का। 10 साल के हैं। तो दाऊद क्या करते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में। 2 क्लास में। और क्रिसमस के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ? मैं अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस को बाहर जाता हूं उनके साथ, अप्रिशिएट उनका करता हूं। Right. That's very important. फैमिली को हम लोग काफी कबार जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं? उनके बाल मानता हूँ, जो भी वो बोलते हैं उनकी बातें पूरी करता हूँ, उनका कहना मानता हूँ। जब कभी कभी मामा की तबीयत खराब होती है उनके फिर काम भी करने पड़ते हैं घर के। Oh, that's really sweet. अच्छा, अम्मी और अबू के लिए इस साल आपकी क्या दुआ है क्रिसमस के मौके पर? अब मामा पापा के लिए दुआ है पूरा उनको ज़बरदस्त। और अपने लिए आपकी क्या दुआ है? अपने लिए दुआ है तुम अच्छा पढ़ सकूँ और पढ़ने में उदा हो रही हूँ, ताकत दे पढ़ूँ। ज़बरदस्त। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? बड़े होकर पायलट। पहले पापा की ख्वाहिश में पायलट बनूँ। और इस साल आप दुआ मांगेंगे खुदा से कि आपको पायलट बनाए? मांगूंगा, जरूर मांगूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग योर क्रिसमस दिस ईयर? और इसके अलावा जो क्रिसमस का मौका होता है उस पर क्या मैसेज है आपका लोगों के लिए? हम बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाते हैं और हम पूरे महीने से इसकी तैयारी करते हैं और लोगों के लिए ये मैसेज है, जो भी जिससे भी नाराज है वो उससे दोस्ती कर ले प्लीज़। अ वंडरफुल मैसेज। इसकी वजह क्या है, क्यों आपके दिमाग में थॉट आई है? इसकी वजह ये है कि सब लोग बहुत खुशी से ये दिन मनाते हैं और जो नाराज है एक दूसरे से उन्हें भी चाहिए कि वो सबसे दोस्ती करें। थैंक यू। आपकी किसी से लड़ाई हुई है? मेरे फ्रेंड से हुई है। और इसके पीछे बेसिक जो आपकी मोटिवेशन हुई है कि वो आप अपनी फ्रेंड के साथ जो लड़ाई है उसको भी ख़त्म करना चाहती हैं, राइट? यस ऑफ कोर्स, मैं ख़त्म करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई और न्यू ईयर में बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगी उनके साथ। तो आप गिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस क्रिसमस पर, क्या गिफ्ट मिलेगा उनको? फ्रेंड्स को नहीं, अपने लिए भी और फ्रेंड्स को क्या देंगे? अपने लिए मैं न्यू ड्रेस जैसे मैंने पहना हुआ और फ्रेंड्स के लिए मैं बहुत सी प्रेयर्स और उनकी खुशी और बहुत से गिफ्ट्स उनको देना चाहती हूँ। Thank you so much. I think that's the sweetest. That's the sweetest thing anyone has ever, like I've heard anyone saying about, you know, on a day like this. कि she wish her friends to be happy और उनके लिए एक अच्छा अच्छी ज़िंदगी हो और एक blissful ज़िंदगी हो. That's just wonderful. Thank you so much. Thank you so much. मुस्कुराते मुस्कुराते खुशी के साथ उसकी वर्शिप कीजिए, क्योंकि जब हम खुशी के साथ उसकी प्रस्तुति करेंगे तो वो भी खुशी के साथ अपना आसमान खोलेगा और मन बरसाएगा। अपना नाम सबसे पहले बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम यासिर है। और आपका क्या नाम है? जैकन।
ठीक है। आप दोनों का क्या मैसेज है क्रिसमस के बारे में, जिस तरह अभी आपके बाकी जो यहाँ पे लोग आए हुए उन्होंने बताया, और क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रिटी जीसस की बर्थडे के लिए किया जाता है, उनको एक ओमाज पे किया जाता है, उनकी उनसे ब्लेसिंग्स जो है उनके लिए दुआएँ की जाती हैं। तो आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग का टेक अवे इससे क्या है, क्या मैसेज लेते हैं आप लोग, और आपका मैसेज क्या है टू द पीपल हु आर वॉचिंग राइट नाउ? इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग, इट इज़ अबाउट गिविंग, गिविंग स्टफ टू अदर्स। इट इज़ लाइक हम अपना एक ना छोटा सा टुकड़ा ना खुशी का किसी और को देते हैं, इट इज़ लाइक दैट। सो जो इसमें एलिमेंट है कि लोग मिलके खाना जो है वो आपस में शेयर करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट फैक्टर कि दैट इज़ अबाउट गिविंग टू द कम्युनिटी एंड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी? यस, इट इज़ ऑल लाइक दैट। क्रिसमस का जो त्यौहार होता है वो आपकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट्स वगैरह के लिए एक्साइटेड होते हैं आप? जी, गिफ्ट्स के लिए तो स्पेशली एक्साइटेड होते हैं। सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला आज तक? आज तक याद नहीं है, बहुत सारे मिले हैं। और इस साल पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या गिफ्ट मिलेगा इस साल? एक नया बाइक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और फैमिली के अंदर किस तरीके से आप लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को? घर पे लोग आते हैं या कहीं और आप लोग ट्रैवल करते हैं? वी स्पेशली अरेंज अ इवेंट एट आवर विलेज, हम सारी फैमिली इकट्ठी होती हैं, माय एल्डर फादर एंड माय फादर, वी गो टुगेदर टू आवर विलेज एंड वी सेलिब्रेट आवर क्रिसमस इन आवर विलेज। That's wonderful. All right, इस क्रिसमस पे आपका मैसेज क्या है टू द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ, क्या आप उन्हें कहना चाहते हैं इस दिन पे? मेरा मैसेज ये है कि बी काइंड टू ईच अदर, लव ईच अदर, शेयर हैप्पीनेस विद ईच अदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आज के इवेंट पे आपका क्या मैसेज है? माय नेम इज़ टॉमिला, मैं आज के इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी। मैंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया ताकि हम लोग क्रिसमस के मौके पे सब इकट्ठे हो सकें और आज का इवेंट सेलिब्रेट कर सकें। ये इवेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, हमारे जीसस की बर्थ होती है और हम लोग इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर होल फैमिली राइट? या मुझे ये बताइए कि एज अ फैमिली आप लोग किस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? आई एम श्योर जिस तरह बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते होंगे गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी, तो और जो गैदरिंग्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, थोड़ा सा क्रिसमस की जो इन्वायरमेंट होती है, जो माहौल होता है, उसके बारे में बताइए। हमारा इवेंट इस तरह से होता है कि हम लोग सब एक दूसरे के घर जाते हैं केक लेके, और लोग भी आते हैं हमारे घर, इस तरह से हम लोग इस इवेंट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। चर्च जाते हैं, फिर वापसी में सेंटास होते हैं, वो गिफ्ट डोनेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इवेंट, बहुत आलाशान इवेंट होता है। और बच्चों के लिए किस किस्म की गिफ्ट्स आप लेना पसंद करती हैं? बच्चों के लिए ज़्यादा हम लोग जो भी उन्हें लाइक चॉकलेट्स, केक, लाइक सेंटर्स हम लोग गिफ्ट करते हैं, सेंटर्स क्लॉथ, इस तरह से काफ़ी। ज़बरदस्त। आई वांट टू नो कि क्रिसमस का मैसेज क्या है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के पास जानकारी नहीं भी है, तो उनको आप क्या बताना चाहती हैं? ऑब्वियस जिस तरह आपने कहा कि जीसस की बर्थडे जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये जो एक एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स है और जो लोगों का आपस में मिलना है, इसका बेसिक मैसेज क्या है? इसका मैसेज यही होता है हमारी जीसस की बर्थ होती है, ये बहुत खुशी का मौका होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि जिनसे नाराज़गी है उनको भी, उनसे भी ये रियलाइज़ किया जाए और हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठा हों इस मौके पे और सेलिब्रेट करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। क्रिसमस का यहाँ पे इवेंट जो है मुनक्किद किया गया और यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए जिस वक्त आपको देख रहे हैं इस मौके पे? बड़ी खुशी हुई, ख़ासतौर पे अल्ताफ भाई और ये विजन बैंक्वेट वाले, इन्होंने हमें इनवाइट किया और बड़ा अच्छा इवेंट इन्होंने अरेंज किया है, सारा कुछ बड़ा अच्छा किया है और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए मेरे ख्याल में। ज़बरदस्त। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो क्रिसमस का मौका होता है इस पे लोग जो है वो मिलके तवाइफ एक्सचेंज करते हैं, खाना खाते हैं, फैमिलीज आपस में मिलती हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, तो आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए इस मौके पर? मेरा मैसेज क्रिसमस पे, यानी हमारी कम्युनिटी में यही होता है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, खुशियाँ देने का दिन होता है, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो पुअर हैं, जो नहीं कर सकते, उनके लिए ज़रूर उनको याद रखें ताकि
वो भी इस खुशी में शरीक हो सके. अच्छा, वंडरफुल मैसेज. मैं आपसे जानना चाहूँगा, बचपन से ऑब्वियसली आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यू मस्ट माइट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट थ्रू आउट द ईयर, राइट? सो क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी बचपन में आपकी कि किस किस्म के गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, और क्या मिलता था? सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला आपको आज तक? अब तो बड़े सारे गिफ्ट मिले हैं. और बचपन में आपको याद है कोई टॉय हो ऐसा जो आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई ऐसा ड्रेस हो जो आप लेना चाहते हो? मैं, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था. मुझे क्रिकेट बैट जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया, राइट, तो वो मुझे याद है, अभी मेमोरेबल है. लेकिन ये कि गिफ्ट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ईद पे तो फिर आपको पता है गिफ्ट एक वो बहुत ज़रूरी होते हैं. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रेवरेंड अंजन साहब, जो कि प्रीस्ट हैं, और इस वक्त इस इवेंट के ऊपर इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया क्रिसमस का, और इन्हीं से जानते हैं कि बेसिकली क्रिसमस का जो ये मौका होता है इसके ऊपर जो लोगों के लिए एक मैसेज होता है वो क्या है. और सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हम जानते हैं कि यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसके अलावा इस पर एक मैसेज दिया जाता है कि लोग एक साथ आएँ, इस पे दुआएं मांगे अल्लाह से, और इसके अलावा तवाइफ एक्सचेंज करें, और इसका क्या मैसेज है लोगों के लिए? व्हाट इज़ द मेजर टेक अवे? क्रिसमस हकीकत में हम यस्वल मसीह की पैदाइश पर मनाते हैं, और यस्व मसीह ने हमारे लिए एक खूबसूरत मैसेज छोड़ा है अमन और सलामती का. यस्व मसीह को हम प्रिंस ऑफ पीस भी कहते हैं, यानी अमन और सलामती का शहज़ादा. और यही दर्स उसने अपने लोगों को दिया है कि आप अमन, सलामती और भाईचारे से रहे. और हकीकी क्रिसमस ये है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें. क्रिसमस का जो मेजर पैगाम है, मेजर मैसेज है, वो यही है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें. यही जीसस ने कहा. सो लाइक आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस मौजूद हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट और कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ पे गैदर हुए हैं टू सेलिब्रेट दिस डे. मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, यू आर अ मुस्लिम एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे आए हैं, यू आर ऑल्सो हेयर टू ट्राई दिस न्यू मेन्यू बाय विजन बैंक्वेट, तो उसके बारे में बाद में आएंगे. आई वॉन्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका मैसेज क्या है फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑन दिस डे ऑफ क्रिसमस. देखें जी, पाकिस्तान के अंदर ये तो एक पूरी आज़ादी है सबको, सब मिनोरिटी को, कि वो अपने जो त्यौहार हैं वो अपने इंडिपेंडेंसली और अपने मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं. और अदर दिन आप इंडिया में देखें तो क्या होता है बाकी नेशनल के साथ, तो इसलिए आपसे तो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इनफैक्ट यहाँ पे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर का अकाउंट भी है, और वो यही कह रहे थे कि उनको खुली आज़ादी है कि वो अपने ओपन कन्वेंशन करें और यहाँ पे अपनी जो उनकी तकरीबात होती हैं उनसे खिताब करें. सो आई एग्री विद यू कि यहाँ पे क्रिश्चियंस को काफ़ी आज़ादी दी जा रही है कि वो अपना रिलीजन जो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलिब्रेट करें. आई वांट टू नो मोर अबाउट द फैक्ट कि डिफरेंट जो रिलीजन है उनको आपस में किस तरीके से मिलकर जो एक हारमोनी है उसको प्रमोट करना चाहिए. देखिए बेसिकली जो है ना, जितने भी मज़ाहब दुनिया में पाए जाते हैं सब मज़ाहब जो है वो इंसानियत की दर्ज देते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो है ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और जब हमें एक दूसरे पे कोई एतराज़ नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो बेसिक सारे मज़हब जो एक इंसानियत का दर्ज देते हैं और अमन का दर्ज देते हैं, तो उसको बड़ी प्रमोशन मिलेगी. साथ हम पहुंच चुके हैं आज के शो के अख्ताम पर. वी वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट विजन बैंकेट, जहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो गैदर हुई हुई थी अपनी दुआओं के लिए और अपने जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है और इस सेलिब्रेशन होती है क्रिसमस की उसको सेलिब्रेट करने के लिए. आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव एनी मैसेज ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो अबाउट योर थॉट्स ऑन क्रिसमस एंड ऑन द शो एज वेल. इसी के साथ आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अपना ख्याल रखिएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. अल्लाह हाफिज़.